नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और ईद से पहले यूपी पुलिस की बड़ी तैयारियां आप देख सकते हैं। जिस तरीके से प्रदेश में होली का त्यौहार होता है, जिस तरीके से प्रदेश में दिवाली मनाई जाती है, उसी सौहार्द के साथ अब उत्तर प्रदेश में ईद मनाई जाएगी। जिसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। आज ईद से एक दिन पहले फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, लोगों में यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रदेश में सुरक्षित है और किसी भी तरीके की ईद जैसे बड़े त्यौहार पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको वह तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरीके से अलविदा जुमे की जो नमाज अदा की गई थी उसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम लोगों का बड़ा सहयोग रहा था, खासकर तो मुस्लिम समुदाय का पूरा सहयोग पुलिस के साथ था और पुलिस भी पूरे सहयोग के साथ ग्राउंड पे उतरकर काम कर रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका एक तरीके से मस्जिद के आसपास का इलाका है, गाजियाबाद की खोड़ा थाना अंतर्गत आता है। खुद सीओ रैंक के अधिकारी, खुद स्टेशन ऑफिसर यानी कि एसएचओ रैंक के अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ एक फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और फ्लैग मार्च के दौरान संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से कोई हताहत नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रदेश में पूरे सौहार्द के साथ दिवाली मनाई जाती है, जैसे प्रदेश में पूरे सौहार्द के साथ होली मनाई जाती है, इसी तरीके से प्रदेश में ईद का भी त्यौहार पूरे आपसी प्रेम भाव और सौहार्द के साथ बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है। शाम का ये वक्त है, एक सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे ये संदेश प्रदेश की आवाम को, प्रदेश की जनता तक पहुंचे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार जनता ने समर्थन देकर गद्दी पर बैठाया है। तो उत्तर प्रदेश में लोगों का जो सुरक्षा को लेकर, खासकर जो फेस्टिवल होते हैं, अब ईद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि बनने जा रहा है, उससे पहले फ्लैग मार्च निकालकर ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से सीओ रैंक के अधिकारी, एसएचओ रैंक के अधिकारी, तमाम जो पुलिस ऑफिसर हैं वो सड़कों पर हैं और यही संदेश दिया जा रहा है कि आप कोई भी त्यौहार मनाएंगे सौहार्दपूर्ण। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे देश में ईद होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, उसी तरीके से अब देश में ईद भी प्रदेश में मनाने की जो तैयारियां हैं वो सौहार्दपूर्ण हैं। और मेरे साथ सीईओ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ा फ्लैग मार्च आज आप निकाल रहे हैं ईद से पहले की, ये बड़ी तैयारियाँ सुरक्षा को देखते हुए, यानी कि ये संदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से जनता के बीच में कि ईद जैसे फेस्टिवल पे कोई पैनिक नहीं, आराम से ईद मनाइए, सौहार्दपूर्ण मनाइए। देखिए, कल 3 मई है और कल कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जैसे ईद है, अक्षय तृतीया है और परशुराम जयंती है। उसको लेके लगातार पुलिस बल पिछले एक महीने से सतर्क और लगातार मूवमेंट है। सभी धार्मिक व्यक्तियों से संवाद स्थापित किया गया है और जो अराजक तत्व है उन्हें चिन्हित करके उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में आज मुख्य बाजारों में पुलिस के साथ फ्लैग मार्च मनाया जा रहा है ताकि जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके और जनता के मन में सुरक्षा का एहसास कराया जा सके और सभी लोग जो भी त्यौहार हैं कल वो प्रेम मोहब्बत से मनाएं। पुलिस उनके साथ 24/7 सदैव तत्पर मिलेगी। सदैव तत्पर है, यानी कि यूपी पुलिस सदैव सुरक्षा में आपकी तत्पर, क्योंकि एक बड़ा त्यौहार है, ईद का त्यौहार है। इसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और ये आप देख सकते हैं पूरा बाजार भरा हुआ है। लेकिन पुलिस सुरक्षा को लेकर बहुत तैयारियां की गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पूरा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं पीछे तक की तस्वीरें, पूरा प्रशासन सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। और जैसे कि अभी सीओ साहब ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो लोग आपसी उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं या जो लोग गलत तरीके से कोई अफवाह उड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया है और सभी को यह संदेश दिया गया है कि प्रदेश में सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और ये बड़ा संदेश फ्लैग मार्च निकालने पर दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि प्रदेश में वह अब सुरक्षित है। त्यौहार कोई भी हो, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या फिर ईद हो, जैसे सभी सौहार्दपूर्ण त्यौहार बनते हैं, इसी तरीके से ईद के त्यौहार को भी इस
प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उस प्रदेश में ईद जैसे त्यौहार को भी ये कहा गया है कि पूरे सौहार्दपूर्ण मनाया जाएगा। और खासकर बड़ी बात यह है कि धार्मिक गुरुओं से बातचीत की गई है और धार्मिक गुरुओं को इसमें उनकी सलाह भी ली गई है। धार्मिक गुरुओं को ये समझाया भी गया है कि लोगों को समझाएं किसी भी तरीके की सुरक्षा को लेकर अपने दिमाग में संदेह ना रखें। पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद है और मस्जिद के ठीक सामने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा को लेकर तैयारियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सुरक्षा को लेकर हमारी पुलिस अलर्ट है। चाहे रामनवमी की यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, चाहे शोभा यात्रा हो हनुमान जन्मोत्सव की, कहीं भी प्रदेश में 800 जगहों पर यात्रा निकली लेकिन कहीं से भी आपसी सौहार्द बिगड़ने की या तूतू मैमे की भी तस्वीर नहीं आई। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस, यानी कि मैं इस वक्त गाजियाबाद जिले के अंदर मौजूद हूं और ये थाना खोड़ा लगता है जहां पर सीओ रैंक के अधिकारी, जहां पर जो तमाम पुलिस वाले हैं, चाहे वो एसएचओ साहब हो, सीओ साहब हो या फिर चौकी इंचार्ज हो, वो लोग सड़कों पर उतर कर लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जैसे प्रदेश में तमाम त्योहार होते हैं उसी तरीके से प्रदेश में ईद भी पूरे सौहार्दपूर्ण मनाई जाएगी, यानी कि कोई भी हताहत की तस्वीर प्रदेश से नहीं आएगी। और जो लोग ऐसे लोग थे जो गलत गतिविधियों में लिप्त थे, उसको खुद सीओ जो यहाँ के हैं अभय मिश्र ने, यानी कि अभय मिश्रा जी ने उनको खुद चिन्हित किया है और ऐसे लोगों पर पहले ही कार्रवाई कर दी गई है, जिससे कि वो लोग आपसी सौहार्द इस ईद के बड़े त्यौहार पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना कर पाएं। और खुद धर्मगुरुओं को बुलाकर उनसे बातचीत की गई है और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से अलविदा जुमे की नमाज कह सकते हैं कि मस्जिद के अंदर पड़ी गई थी, इसी तरीके से सबसे बातचीत की गई है और सबको ये संदेश भी खुद धर्मगुरुओं ने दिया है, चाहे वो राशिद मैली फिरंगी हो, उन्होंने भी एक संदेश दिया है और अपील करी है कि ईद के दिन भी सभी लोग मस्जिद के अंदर ही नवाज अता करेंगे, कोई भी ईद के त्यौहार पर बाहर बैठ के नवाज नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी तस्वीर तो यही है कि मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, यानी कि सुरक्षा को लेकर सभी को, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को पुलिस की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है कि प्रदेश में कोई भी त्यौहार मनाया जाएगा वो पूरे सौहार्दपूर्ण बनेगा। ईद हो, होली हो, दिवाली हो, रामनवमी की शोभा यात्रा हो या फिर कोई भी बड़ा त्यौहार है, किसी भी धर्म का त्यौहार है, उसको लेकर पुलिस की बड़ी तैयारियां। और ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर उतर कर सीओ रैंक के अधिकारी, एसएचओ रैंक के अधिकारी और जो बड़े अधिकारी हैं वो भी ये सुनिश्चित जनता को बीच में जाकर करवा रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, त्यौहार को सौहार्दपूर्ण बनाइए और किसी भी तरीके से कोई हताहत ना होने पाए, किसी की भी सुरक्षा में कोई खिलवाड़ ना होने पाए। इसी वजह से पूरी पुलिस प्रशासन सड़कों पर मौजूद है और ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि 24 करोड़ की जनता की जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के ऊपर है उसी की ये खास तस्वीरें हैं। बाजार सजा हुआ है और पुलिस पूरे बाजार में पैदल फ्लैग मार्च निकालकर यही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवा रही है कि ईद हो। और ईद से पहले ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता के बीच पुलिस पहुंच रही है और ईद से पहले एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी तैयारी कि ईद के त्यौहार को भी सौहार्दपूर्ण बनाया जाए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, जिला गाजियाबाद से।